सो हे गाइस, अगर आपके भी स्पैम कॉल आते रहते हैं या फिर किसी भी बैंक के जिसमें आपको लोन रिक्वायर के लिए बार बार आपको कॉल किया जाता है, दिन में 8 से 10 कॉल आ जाते हैं और दिन में 2 से 3 कॉल भी आ जाते हैं, तो दोस्तों आपको घबराने की जरूरत नहीं है। इस वीडियो में मैं आपको ऐसी ट्रिक बताऊंगा जिससे आप अपने सारे कॉल जो स्पैम कॉल होते हैं, जो बैंक के कॉल होते हैं, जो लोन के कॉल होते हैं, उसे आप बिल्कुल ही बंद कर सकते हैं। तो दोस्तों आप यहाँ पर मेरी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, जैसे कि मैं आ चुका हूँ अपने ट्रू कॉलर पर, देख सकते हैं दोस्तों ट्रू कॉलर को मैं जैसे ओपन कर रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, ट्रू कॉलर अगर आपके नहीं है तो आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे ट्रू कॉलर में आने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे देख सकते हैं ICICI बैंक पर्सनल लोन, ICICI बैंक ये देख सकते हैं बहुत सारे कॉल आप नीचे आओगे तो दोस्तों यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ। ये देख सकते हैं ICICI बैंक, ICICI और ये देख सकते हैं स्पैम कॉल, ICICI बैंक और पर्सनल लोन, इतने सारे कॉल आते हैं दोस्तों जिससे हम परेशान हो जाते हैं। दोस्तों आप भी अगर इन सारे कॉल को बंद करना चाहते हैं, जो भी आपके बिल्कुल ही दिन में जो किसी काम के नहीं होते वो कॉल यहाँ पर देख सकते हैं बहुत सारे आए हुए हैं, तो आपके भी इतने सारे कॉल दिन में आते रहते हैं दोस्तों, तो आप इसे ट्रू कॉलर की मदद से बंद कर सकते हैं। तो दोस्तों आपको ट्रू कॉलर प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना है। फिर आपको यहाँ पे ट्रू कॉलर में आने के बाद दोस्तों हम आएंगे यहाँ पे, देख सकते हैं आपको 3 डॉट का ऑप्शन दिख रहा है दोस्तों, ऊपर 3 डॉट पर क्लिक कर लें, 3 लाइन पे, और 3 लाइन पर आप क्लिक कर लोगे दोस्तों तो यहाँ पर आपको नीचे आना है दोस्तों, और नीचे आने के बाद देख सकते हैं सेटिंग्स का ऑप्शन दिख रहा होगा दोस्तों, सेटिंग के ऑप्शन में आपको क्लिक करना है दोस्तों। फिर यहाँ पर आपको देख सकते हैं यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा ब्लॉक का ऑप्शन, ठीक है दोस्तों, तो ब्लॉक के ऑप्शन में आपको क्लिक करना दोस्तों, और यहाँ पर आपको ब्लॉक के ऑप्शन आने के बाद यहाँ पे जैसे कि आप नीचे आओगे दोस्तों तो यहाँ पर आपको एक नीचे देख सकते हैं यहाँ पे ब्लॉक जैसे कि स्टॉप स्पैमर्स, ठीक है, तो यहाँ पर आपको इसे इनेबल कर देना दोस्तों। इसे इनेबल करने के बाद आपके जो भी कॉल आएंगे जो स्पैमर्स लोन के वगैरह वो नहीं आएंगे। और दोस्तों इसमें आपको क्या क्या इनेबल करना है, यहाँ पर जैसे कि ये देख सकते हैं ब्लॉक नंबर फॉरेन कंट्रीज, ठीक है, इसे भी आपको इनेबल कर देना, फॉरेन कंट्रीज इसे भी आप इनेबल कर दोगे तो यहाँ पर आपके 90% काम हो गया है। यहाँ पर आपके जैसे कि 90% जो भी फर्जी कॉल आते हैं बैंक के तो वो आपके नहीं आएंगे। तो दोस्तों ऊपर बात करते हैं तो यहाँ पर आप अगर इनेबल करने की कोशिश करोगे, यहाँ पर आपको अनलॉक करने के लिए आपको यहाँ पर रिचार्ज करना पड़ेगा, तो इसमें आपको कुछ भी नहीं करना, इसका 10% काम है, तो इसे आप अगर अनब्लॉक आपको नहीं करना है, ठीक है, तो इसके लिए स्पेशल रिचार्ज लगता है। ठीक है दोस्तों, इसमें आपको ये दोनों इनेबल कर देने हैं, स्टॉप टू स्पैमर्स और यहाँ पर ब्लॉक टू फॉरेन कॉन्टैक्ट कंट्रीज, ठीक है, तो इसको आप दोनों को इनेबल कर दोगे। फिर आपको क्या करना है दोस्तों, ऊपर आ जाना है, देख सकते हैं दोस्तों अपडेट का ऑप्शन दिख रहा होगा दोस्तों, तो अपडेट का ऑप्शन में आपको क्या करना है, क्लिक कर लेना है दोस्तों। अपडेट के ऑप्शन में क्लिक करने के बाद देख सकते हैं स्पैम यानी कि सक्सेसफुल हो चुका है, आपको कुछ नहीं करना, फिर आपको ये सिंपली आपका काम हो चुका है, आपको अब कोई भी कॉल नहीं आएगा। तो दोस्तों आपको जैसे कि महीने में एक आधा कॉल आ जाए तो आ जाए, लेकिन आपको ज़्यादा कॉल नहीं आएगा दोस्तों। तो इतना ही काम था आपके ट्रू कॉलर में। तो दोस्तों ये जानकारी आपको कैसे लगी मुझे कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा। अगर वीडियो वाकई में अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड जय हिंद, वंदे मातरम।